Hey everyone, welcome to Spill B. Let's talk about how internet is glorifying married man having relationship outside marriage. यहाँ पे ना रणबीर कपूर और तृप्ति दिमरी के बारे में बात हो रहा है कि कैसे तृप्ति को भाभी नंबर 2 का टैग मिल रहा है। उसे ओपनली एक शादीशुदा आदमी के साथ ना शिप किया जा रहा है एंड क्योंकि रणबीर कपूर की वाइफ है आलिया भट्ट तो उसे ना भाभी नंबर 1 का टैग दिया जा रहा है। सो दिस इज एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल। इवन बीच में तृप्ति का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें शायद वो जो इंटरव्यूअर था ना उसने इंटरनेट से कमेंट उठाया एंड तृप्ति के सामने कोट किया, तो लाइन कुछ इस तरह था कि आलिया भट्ट को कोई चीज के बारे में वरी करने की जरूरत है कि नहीं। I saw a comment, it's I'm saying it in a fun way, in a so there was something that both of them, they look so good together that Alia has reasons to be worried about. No, she doesn't. I love him as an actor and like this is so wrong. इसका मतलब क्या होता है कि आप एक लड़की को पूछ रहे हो जो सिंगल है कि जो आपका को एक्टर है उसकी बीवी को क्या आपसे बच के रहना चाहिए। यहाँ पे तृप्ति हैंडल्ड इट वेरी कामली, बट अगर वो गुस्सा भी हो जाती ना तो गलत नहीं रहती क्योंकि ऑफेंसिव था। सी थोड़े अलग वे से भी इसे पूछा जा सकता था एंड कई लोगों ने जब ये देखा ना तब उनको भी ये गलत लगा। दो ये जो वर्ड्स थे ना बिल्कुल भी सवाल पूछने वाले के नहीं थे, बट वो होस्ट है वो थोड़ा अलग वे से इसे फ्रेम कर सकता था। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर कोई एस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस होती ना ये पोजीशन पे उसे ये सवाल नहीं पूछा जाता। जस्ट बिकॉज तृप्ति अभी भी करियर बना रही है बॉलीवुड में इस वजह से लोग इतना डायरेक्ट होके इन अप्रोप्रिएट सवाल पूछ रहे हैं। आप कैसे एक सिंगल लड़की को ये पूछ सकते हो कि जिस एक्टर के साथ वो काम करी है क्या उसकी वाइफ को उसे एज अ थ्रेट लेना चाहिए कि नहीं। दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल एंड ऑल दिस इन अ वे स्टार्टेड बिकॉज एनिमल फिल्म करने से पहले काफी बार तृप्ति ने ना कई सारे इंटरव्यूज में ये बोला है दैट रणबीर कपूर पे उसे क्रश है, वो उसका फेवरेट एक्टर है। आई वुड लव टू वर्क विद Ranveer, my favorite actor. There are Ranveer Kapoor. I love his work. Your first celebrity crush. Ranveer Kapoor. And abhi Tripti jo hai, wo animal film ke liye cast ho gayi thi. जिसमें कुछ उसके इंटीमेट सीन्स है रणबीर के साथ एंड स्टोरी लाइन भी ऐसा है कि फिल्म में रणबीर अपनी वाइफ पे चीट करता है एंड ही स्लीप्स विद द कैरेक्टर जो तृप्ति प्ले कर रही है। तो इन अ वे रियल लाइफ में भी उनके जो फैंस है ना दे हैव स्टार्टेड मेकिंग सच अजम्पशंस कि इनकी जो जोड़ी है वो एक्चुअल में बन जाए। बिकॉज एक क्लिप काफी सर्कुलेट हो रहा था जहाँ पे तृप्ति एक इवेंट के दौरान ना कंटिन्यूसली रणबीर को देख रही थी एंड वो क्लिप के नीचे ना कई ऐसे कमेंट्स देखने मिल रहे थे कि तृप्ति तो ऑलरेडी रणबीर के बारे में फैंटेसाइज करती थी एंड एनिमल मूवी में वैसे सीन्स करके वो सब पूरे भी हो गए। अभी जस्ट बिकॉज समवन इज स्टेयरिंग अ पर्सन डजंट मीन इट इज ऑलवेज आउट ऑफ लव। एट टाइम्स इट इज जस्ट दैट कि कोई किसको एडमायर कर रहा है। इवन बीच में ना हॉलीवुड के दो लेडीज के साथ भी हुआ था। रिवर डेल की जो एक एक्ट्रेस है ना लिली, वो एक इवेंट के दौरान सिडनी स्वीनी को देख रही थी, तो वो जो क्लिप है ना इंटरनेट पे काफी ज्यादा सर्कुलेट होने लगा सेइंग दैट कि लिली जो है ना वो पसंद नहीं करती सिडनी स्वीनी को, इसलिए ऐसे वाइब्स दे रही है या वो सिडनी स्वीनी को देख के ना जलस है। ऐसे नरेशंस ना इतने ज्यादा हो गए थे कि लिली हैड टू इन अ वे क्लैरिफाई कि वो एंड सिडनी एक्चुअल में दोस्त हैं, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है उनमें। तो ऐसे क्राउडेड प्लेसेस में ना ऐसा होना नेचुरल चीज है। अगर सब लोग ऑलरेडी आ गए हैं एंड एक पर्सन बाद में एंटर करता है उस रूम में या प्रिमाइस में तो नेचुरल सी बात है कि उस पे ध्यान जाएगा। एंड ऐसे जो नरेशंस क्रिएट हो रहे हैं ना कि रणबीर एंड तृप्ति की जोड़ी मस्त लग रही है, रियल लाइफ भाभी नंबर 2, ये सब की वजह से लोग इन अवे एक हॉस्टाइल एनवायरमेंट तृप्ति के लिए क्रिएट कर रहे हैं एंड फिल्म इंडस्ट्री में आगे उसे अगर काम करना है तो उसके अगेंस्ट ये जा सकता है। क्लियर चीज है कि यहाँ पे उसका कोई फॉल्ट नहीं है, बट बॉलीवुड इज वेरी फेमस टू इन अ वे आइसोलेट वुमेन इफ दे फील कि वो एक थ्रेट है एंड अगर उनके मन में एक डाउट आ गया कि उनके जो हस्बैंड है अगर उसके साथ काम करेंगे तो शायद दे में चीट। कई साल पहले ना प्रियंका चोपड़ा के साथ सेम चीज हो चुकी है, उसको ज्यादा बॉलीवुड फिल्म्स नहीं मिल रहे थे, उसे इन अ वे ना आइसोलेट किया जा रहा था। प्रियंका चोपड़ा की जो मैनेजर है ना वो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, तो कई साल पहले उन्होंने इन अ वे एक डिसीजन लिया था कि वो प्रियंका को हॉलीवुड में लॉन्च करेगी एंड खुद प्रियंका की जो मैनेजर है ना उन्होंने एक इंटरव्यू में ये रिवील किया था कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स एंड प्रोड्यूसर्स ने उनको ये बोला था कि डोंट चूज प्रियंका। रिमेंबर मी एंड प्रियंका टॉक अबाउट दिस। आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट साइंड प्रियंका देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल इन पर्टिकुलरली इन इंडिया हु वाज सो नेगेटिव। आई वाज एट दिस डिनर एट अ फ्रेंड्स हाउस मनीष गोयल एंड या आई वाज एट दिस डिनर विद सम prominent, you know, people from I'm going to say Bollywood, but they hate that word, so the Hindi film industry. And they were just so negative about her. They were like, she's never going to work, she's never going to this, she's never going to, I don't know why you're wasting your time, blah, blah, blah. And, you know, I remember feeling really hurt, actually, at the time. And I remember being like, am I wasting my time, blah, blah, blah. एंड उस एरा में ना एक रूमर भी फैल रहा था कि फेमस बॉलीवुड एक्टर्स की जो वाइफ है ना वो इन अवे नहीं चाहती कि उनके जो हस्बैंड्स है वो प्रियंका के साथ काम करे। तो एक ग्रुप था जो प्रियंका के अगेंस्ट हो गया था ना उसको आइसोलेट कर रहा था
तो ये जो इंडस्ट्री है ना वो ऑलरेडी ऐसी है जहाँ पे सेल्फ मेड लोगों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। हाँ, एक बार आप स्टार बन गए तो सब गले लगेंगे, बिकॉज तभी कोई ऑप्शन नहीं बचता। जैसे प्रियंका के साथ आज हो रहा है, सब उसको पार्टीज में वगैरह बुलाते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, बट जब वो अपना करियर बना रही थी तब यही लोगों का ना बिहेवियर उसकी तरफ काफी अलग था। मेनली तभी बोला जाता था कि गौरी खान एंड ट्विंकल खन्ना ने ऐसे रूल्स बनाए हैं। सी, गौरी एंड ट्विंकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो उनके हस्बैंड का नाम किसी और के साथ जोड़ा जा रहा है, ये उन्हें पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने अपने हस्बैंड्स को बोला होगा कि प्रियंका के साथ काम ना करो, बट कहीं ना कहीं अगर उनके हस्बैंड एक्चुअल में इन्वॉल्व थे ना तो उनकी भी गलती है ना, बट उनको क्लीन चिट दिया गया। एंड चलो, अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट करना वो उनका पूरा हक है, वो उनका पर्सनल मैटर है, पर लाइन क्रॉस तब हुआ जब दूसरे प्रोड्यूसर्स एंड फिल्म मेकर्स अपने कनेक्शंस यूज करके ना प्रियंका को आगे काम ना मिले ये लोग मेक श्योर करने लगे। दैट इज इन अ वे सैबोटेजिंग समवन्स करियर। उसे हॉलीवुड जाने का मौका मिल रहा था तो वो जो पर्सन थी अंजुला जिसने सिलेक्ट किया था प्रियंका को, उसको भी उसके अगेंस्ट भड़काया जा रहा था। तो ये सारे एक्शंस बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। एंड कहीं ना कहीं तृप्ति जो है ना वो भी अभी वही फेज में है जहाँ पे वो अपना एक मार्क बनाने का ट्राई कर रही है बॉलीवुड में। तो करियर के ये पॉइंट पे ये जो नरेशन है ना वो उसके अगेंस्ट जाएगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, जो भी कमेंट्स किए जा रहे हैं वो पढ़ के किसी भी एक्टर की वाइफ को अच्छा फील नहीं होगा। आलिया भट्ट को भी सेम फील हो सकता है। पॉसिबिलिटी है दैट शी मे गेट एंग्री, कितनी भी वो अंडरस्टैंडिंग हो, बट उसके हस्बैंड का नाम किसी और के साथ जोड़ा जा रहा है ये उसे पसंद नहीं आएगा। बिकॉज कॉमेंट्स भी काफी हार्श थे, कॉमेंट्स लाइक दैट रणबीर इज कंट्रोलिंग हिज माइंड एंड रिमाइंडिंग हिमसेल्फ दैट नाउ ही इज मैरिड। वो जो क्लिप सर्कुलेट हुआ था ना जहाँ पे तृप्ति स्टेयर कर रही थी रणबीर को, उसके नीचे ये कॉमेंट किया गया था। देन ये लिखा गया कि रणबीर अभी तृप्ति के साथ है, आलिया अब तेरा पत्ता तो साफ, चल निकल घर से दूसरे डैडी है आने को फिर तीसरी, आलिया भट्ट बैग बांध लो अपना, भाभी नंबर टू। दिस इज एक्चुअली वेरी अब्सर्ड, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल आर ग्लोरीफाइंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। Here I'm not saying कि रणबीर एंड तृप्ति का कोई अफेयर चालू है, of course not, but people are actually rooting for them. तो पॉइंट तो वही हुआ ना कि वो चाहते हैं रणबीर एंड तृप्ति का कोई रिलेशनशिप हो। एंड कॉमेंट्स में लोग उदास भी हो रहे हैं कि अरे शिट, रणबीर की तो शादी हो गई, इट इज टू लेट नाउ। सी, कैरेक्टर्स को शिप करना अलग चीज होता है। ऑन स्क्रीन कपल आपको पसंद आ सकते हैं, कोई अगर आप मूवी या सीरीज देख रहे हो तो ये होता है, पर रियल लाइफ में ऐसे नरेशंस को पुश करना इज नॉट एट ऑल ओके। हॉलीवुड में बिना एक बार ये हो चुका है। 50 Shades of Grey फिल्म अगर आपने देखा होगा तो उसके जो लीड एक्टर्स थे ना उसमें से मेल एक्टर जो है वो ऑलरेडी मैरिड था, बट ऑनलाइन लोग उनकी जोड़ी को इतना पसंद कर रहे थे कि एंड में इस वजह से ना इन दोनों की जो दोस्ती थी वो टूट गई, बिकॉज मेल एक्टर मैरिड था एंड उनके जो फैंस थे वो उससे उदास हो रहे थे कि वो क्यों मैरिड है, अगर वो मैरिड नहीं होता तो इन दोनों का रिलेशनशिप चलता। तो इन अ वे वो मेल एक्टर ने ना एक स्टेप बैक लिया सो दैट उसका जो मैरिज है वो अफेक्ट ना हो। एंड सेम सिनेरियो यहाँ पे भी हो रहा है, इट इज लाइक पीपल वांट कि रणबीर जो है वो चीट करे आलिया पे, एंड दैट इज रियली मेस्ड अप। नाउ यू मे से कि अगर रणबीर इतना ही लॉयल है तो शादीशुदा होने के बावजूद ऑन स्क्रीन किसिंग वगैरह उसने क्यों किया, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि वो जो है ना वो एक्टर्स है एंड उनके जो बाउंड्रीज एंड लिमिट्स है ना वो अलग होते हैं, ये उनका काम है, तो ऑफकोर्स उनके रूल्स कॉमन मैन से ना थोड़े डिफर करेंगे। एक बॉलीवुड कपल हो सकता है जिनका रूल ये हो कि आफ्टर मैरिज नो ऑन स्क्रीन किसिंग, पर वही दूसरा कोई कपल होगा जिनमें ऐसे कोई रूल्स नहीं होंगे, उनमें उतनी अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी पर्सनली फॉर मी ऑल्सो इट डजेंट मेक सेंस कि एक्टर्स कैसे ये कर लेते हैं, इवन इफ एक्टिंग में भी अगर वो इंटीमेसी दिखा रहे हैं तो इमोशनल पार्ट को वो अलग कैसे रखते हैं। एंड ये जो सवाल है ना वो कई लोगों के मन में आएगा एंड मे बी हम इससे रिलेट भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी आर नॉट फ्रॉम दैट इंडस्ट्री। एंड एक्टर्स भी अगर ऐसे रूल्स फिल्म मेकर्स के सामने रखेंगे कि अभी मेरी शादी हो गई है, मैं ऑन स्क्रीन किस वगैरह नहीं कर सकता या रोमांटिक सीन्स नहीं कर सकता, तो प्रोड्यूसर्स भी रिटर्न में ये बोल सकते हैं कि ये तुम्हारा चॉइस है, इसमें कोई इशू नहीं है, पर ये फिल्म का रिक्वायरमेंट है जिसमें ऐसे सीन्स होंगे, तो अगर तुम नहीं कर पा रहे तो मुझे किसी और को कास्ट करना पड़ेगा। तो वो सिनेरियो को भी समझो कि एट टाइम्स अगर एक्टर्स ने ऐसे कंडीशंस रखे तो हो सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज वो मिस करे एंड जो फिल्में उनको मिलने वाली थी वो उनको ना मिले। तो ऑब्वियस सी चीज है कि अगर उनके पार्टनर्स आर फाइन विद इट, उनमें वो ट्रस्ट है, तो वी एज ऑडियंस कांट सेट बाउंड्रीज फॉर अदर पीपल। रणबीर एंड तृप्ति के जो भी सीन्स थे वो एक सेट पे हुए थे एंड फिल्म करते वक्त वो सेट पे कई लोग थे, सो रियल लाइफ में उनको शिप करना या ऑब्सेशन दिखाना इज नॉट ओके, वी कैन नॉट ग्लोरीफाई सच थिंग्स। So yeah, that's it for this video. Do let me know कि तृप्ति का नाम जो जोड़ा जा रहा है रणबीर के साथ, इस पे आपका क्या कहना है? And if you want, you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।